मुलजिम जिसको मारा है वह कह रहा है उसकी लिखने के लिए तैयार नहीं है और अभी तक कोई FIR नहीं हो रही है। अगर आप नहीं लिखते तो हम लोग पर हमेशा आज अनशन पर सभी से बैठेंगे। दमोह के जिला अस्पताल में बुधवार को पूरी रात हंगामा होता रहा और इस हंगामे की वजह से मरीज परेशान होते रहे और उनके तीमारदार परेशान होते रहे। इस हंगामे की वजह एक धार्मिक संगठनों के लोगों के साथ मारपीट लूट की घटना होना, पुलिस के द्वारा सही समय पर कार्रवाई ना करना सामने आया है। दरअसल दमोह जिला में लंबे समय से एक धार्मिक संगठन भगवती मानव कल्याण संगठन धार्मिक गतिविधियों के साथ नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के तहत आए दिन इस संगठन के लोग जिले भर में अवैध शराब को पकड़ने का काम भी करते रहते हैं और शराब माफियों के खिलाफ खुला मोर्चा खोले हुए हैं। बुधवार की रात करीब 8 बजे इस संगठन से जुड़े 3 लोग दमोह से अपने गांव कार से जा रहे थे कि दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर मारुताल के पास बने टोल नाके के पास 8-10 मोटरसाइकिल पर आए कुछ लोगों ने उन्हें रोका और जमकर मारपीट की। 2 लोगों के साथ लोहे की रोड से हमले किए गए जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पीड़ित घायलों का आरोप है कि यह हमला इलाके के शराब व्यवसायी अनिल यादव द्वारा कराया गया है जिसमें दोनों से लूट भी की गई है। हमले की खबर के बाद बड़ी संख्या में भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग जिला अस्पताल में इकट्ठे हो गए और इन लोगों ने जमकर बवाल काटा। जिला अस्पताल में नारेबाजी और पुलिस से बहसबाजी होती रही। इसी बीच पुलिस के आला अधिकारियों को मोर्चा संभालना पड़ा। संगठन का आरोप है कि घायल जो बयान दे रहे हैं पुलिस उस हिसाब से कार्रवाई नहीं कर रही है। यह 8 बजे की घटना है। आज 8 बजे के बाद अभी 2-2 बज चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। शासन प्रशासन आया और कहा कि FIR कर देंगे और अभी तक कोई FIR नहीं हो रही है, क्योंकि मुलजिमों के क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रही FIR। मैं शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूँ। आज भगवती मानव कल्याण संगठन पूरे प्रदेश में, नहीं देश में, हर कार्यों में आगे बढ़कर कार्य कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है। जब हमारे समाज सेवकों के साथ यह कार्य होगा तो आम जनता के साथ क्या होगा, यह आप सोचने समझने की जरूरत है। संगठन के कितने लोग घायल हैं? संगठन के 2 लोग घायल हैं, उनके लिए उनके साथ मारपीट की गई और उसके साथ FIR नहीं की जा रही है। आखिर क्या है? लूटपाट, पैसे भी छुड़ा लिए गए, उसके साथ मारपीट की गई। आज 8 बजे की घटना है, 8 बजे से 2:15 बज चुके हैं, अभी तक कोई FIR नहीं हुई है। मेरे हम लोगों से कहा जाता है सागरना जबलपुर नाका चौकी जाओ, जबलपुर नाका चौकी जाओ से देहात थाना जाओ। आखिर SP साहब आ गए, उन्होंने खुद कहा था, CSP साहब ने खुद कहा था कि FIR कर दो, लेकिन शासन प्रशासन कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। रात 8:30 बजे शुरू हुआ हंगामा 3 बजे रात तक लगातार चलते रही। वही गुरुवार की सुबह मामले के और बढ़ने की उम्मीद है। इस मामले में इलाके के CASP अभिषेक तिवारी का कहना है 2 लोगों के साथ मारपीट हुई और इसकी जांच की जा रही है। देखिए, भगवती मानव कल्याण संगठन के 2 व्यक्तियों के साथ जो है मारपीट का मामला मारुताल के आगे जो हमारा पुराना टोल है वहाँ की घटना बता रहे हैं। जांच चल रही है और उसमें जो है जो विधिवत कार्रवाई होगी पुलिस जो है तत्काल।